रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में इंशाल्लाह। व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। भाई आज के सीन्स ऐसे हैं कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम परचेजिंग कर रहे थे सामान, भांजी का जहेज जाने वाला था, तो भाई आज वो दिन आ गया, उसका जहेज जाने वाला है। और सुबह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर सका, सुबह अबू बकर को स्कूल भेज दिया था, आज मैंने आराम किया है, आफ्टरनून का टाइम है, अभी इस वक्त 1 बज रहा है, अबू बकर को मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, तो अबू बकर को लेकर आते हैं और फिर बच्चों को छोड़ना है बहन के घर पर, और उसके बाद जो चीजें रह गई थी वो जाकर के लेनी है, जैसे फ्रिज लेकर आना है, फ्रिज मैंने परचेज कर लिया था तो वो आज उठाना है फ्रिज जाकर, और एसी कूलर था वो लेना है, और भी देखते हैं कुछ काम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट काम यार, मेरा कोट जो खराब किया है टेलर ने, तो भाई उसके पास जाना, उसने कहा था आप कल दिन में आ जाना, तो अभी जा रहा हूँ उसके पास, कोट देखते हैं क्या सीन है, कि वो मैं पहन भी पाऊंगा या नहीं, या मुझे दूसरा कोई लेना पड़ेगा, देखते हैं क्या सेटिंग होती है और क्या काम है। चले जो भी काम होंगे याद आते जाएंगे तो आपको साथ लेके चलते जाएंगे। और अभी सीन पता है क्या, अभी ये देखें, ये हाल हुआ हुआ है रूम का, देखें मिरर भी खराब हुआ हुआ है, सारा फैला हुआ है, मेरी वेस्ट कोट पड़ी हुई है, शॉल पड़ी हुई है ये। और भाई आज आपके भाई ने जो है ना ये निकाला है सरदारी सूट, आज जो है जहेज में ये पहनेंगे सरदारी सूट, ये इसकी शलवार है, नीचे इसकी वेस्टकोट भी रखी हुई है, और ये सीन है आज का, टोपी ये निकाल लिया मैंने इसके साथ पखोल, और बस अभी चलते पहले अबू बकर को लेने के लिए, उसको स्कूल से लेकर आते हैं जब तक ये बच्चे रेडी हो रहे हैं, और इनको बहन के घर पर छोड़ते हैं, फिर चलते हैं बाकी के काम निपटाने के लिए, तो फिर आ जाएं। और ये भाई हमारी पाली जी मेथी आम नजारा, लेकिन ये बच्ची भाई ये वीडियो नहीं बनवाती है, देखो कैसे नाराज हो रही है, तो इसलिए मैं इसकी जो है ना वीडियो नहीं बना पाऊँ, ये बिल्कुल भी वीडियो पसंद नहीं करती। चलें जी, फाइनली अबू बकर भी आ गए स्कूल से। अबू बकर जल्दी रेडी हो, फिर पप्पो के यहाँ चलना है। पता है ना आज आपको क्या होने वाला है? क्या है आज? किसका जहेज है? आप ही का। और ये है हमारे प्यारे से बेटे उमर खत्ताब, ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है भाई उमर खत्ताब। और ये हमारी पाली जी बेटी दुबाला आ गई, लेकिन ये नाराज होती है भाई, ये वीडियो नहीं बनवाती, वैसे बहुत खेलती है आमा मेरे साथ और खूब मस्तियां करती है, लेकिन भाई कैमरे के सामने नहीं, इसको वीडियो नहीं बनवानी है। चलो भाई अच्छी बात है, माशाल्लाह से बड़ी अल्लाह वाली बनेगी भाई आमना। अच्छा भाई मैं तो रेडी हो गया हूँ अभी, और सीन ये है कि बच्चों को अभी थोड़ा टाइम रहेगा, खाना वगैरह खा रहे हैं और उम्र खत्ताब भी काफी तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो मैं अभी जा रहा हूँ पहले टेलर के पास, अपना कोट वाला मसला हल करते हैं, उसके बाद बच्चों को छोड़ के फिर बाकी की चीजें जो है ना वो लेकर आते हैं चल के। One hour later. Finally, भाई टेलर के पास में होकर आ गया हूँ घर पर, और अब बच्चों को जा रहा हूँ बहन के घर पर छोड़ने के लिए। और सीन ये है कि टेलर ने मुझे कहा है कि भाई आपका जो कोट है वो छोटा ही बन चुका है और कारीगर से गलती हुई है, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने कहा भाई सॉरी से तो काम नहीं चलेगा, इसका मुझे नया बदल चाहिए और कल आपको तैयार करके देना है एनी हाउ, क्योंकि अभी बारात में दिन कुछ भी नहीं है और बस मुझे जो है वो कोट पहनना भी जरूरी है, उसका इनर भी मैं ले चुका हूँ। अब मसला ये है कि अगर सेम कलर उसका नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने कहा चलो जो मैंने उसका इनर लिया है वो मैं अलग से सूट बना लूंगा, आप कोई और कलर लेके दे उसका मैं दोबारा इनर खरीद लूंगा, ये गुंजाइश कर ली है। तो चलें देखते हैं फिर क्या होता है और करके देगा वो वैसे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं पहले बच्चों को छोड़ते हैं बहन के घर पर और फिर बाकी के काम करते हैं, आ जाएं। चलें जी, तैयारी शुरू हो गई है जहेज की, सामान लगना शुरू हो गया और मैं भी पहुंच गया था यहाँ पर, टेलर से मसला हल हो गया और चेंज करवा दिया है, अपना पैसे ले लिया मैंने उससे, और यहाँ भी तैयारी शुरू हो गई है, ये देखें फर्नीचर वगैरह लगना शुरू हो गया है, अबू बकर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं फुल। पहुंच गया यहाँ पर फ्रिज लेने के लिए, और फ्रिज में ये दो कलर्स थे, साइज तो ये वाला है लेकिन दो कलर्स हैं इसमें, से तीन कलर्स हैं, ब्लैक और ये रेड और ग्रीन, मुझे तो ये ग्रीन पसंद आ रहा है, लेकिन अभी घर वालों को व्हाट्सएप कर दिया है और जो वो पसंद करेंगे फिर वो ले लेंगे। और एयर कूलर का भी भाई को मैंने कह दिया तो वो निकाल देते हैं, तो वो भी आ जाएगा एयर कूलर भी, और हम चलते हैं आगे काम निपटाना है। फाइनली भाई घर पे पहुंच गया हूँ, तैयारी चल रही है बड़े जोरों शोर के साथ और सास भी बहुत बुरा है वहां पर सब लगे हुए अभी फर्नीचर सेटिंग कर रहे हैं, वाडे को बुला लिया था और मैं अभी आ गया हूँ चेंज करने के लिए, और बच्चे भी आ गए तो हम तैयार होकर दोबारा जा रहे हैं वहां पर, और जाना है अभी पहले बाइक लेने, सबसे पहले रेडी होते हैं यार उसके बाद मिलते हैं। रेडी होने में तो भाई बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बस ऐसा करते हैं क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, तो चुटकी बजाते हैं और रेडी होते हैं। 1 2
थ्री फाइनली रेडी हो चुके भाई, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं तो चलते हैं। आमा बेटा भी रेडी हो गया माशाल्लाह से, अबू बकर सिद्दीक भाई भी रेडी हो गए, और ये देखें मैचिंग मैचिंग हो गई है बाबा साईं और अबू बकर की, है ना भाई। चले देर हो रही है बहुत, आ जाओ आप नहीं का। चले भाई आ जाए, चलते हैं प्रोग्राम में। फाइनली भाई पहुंच गए गाड़ी लेने के लिए बहुत जल्दी के अंदर, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सकते हैं। तो ये गाड़ी भाई रेडी कर रहे हैं जल्दी से, बैटरी वगैरह लगा रहे हैं इसमें, और पेट्रोल ये बच्चा लेकर आ गया है। हीरो कहाँ है पेट्रोल? बाहर है, तो अंदर लेकर आओ ना। ये भी आ गया है अबूजर, हमारा बहुत प्यारा सा भांजा। ये भी गाड़ी जैसी रेडी होती है इसको लेकर निकलते हैं, सब वेट कर रहे हैं वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी ले ली है भाई भांजी के लिए और 2024 का मॉडल स्टार्ट करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह भाई, आ जाओ भाई बच्चों, आ जाए। फाइनली भाई लेडीज़ भी चली गई हैं, पैकिंग वैकिंग शुरू हो गई है, और ये लोग आ गए हैं ले जाने के लिए, सामान वगैरह सारा हमने पैक कर दिया है। और इस तरह से मैं बना रहा हूँ, मतलब जेंट्स वगैरह की नहीं बनाना, रिश्तेदार भी होते हैं कोई बुरा नहीं मान जाए, तो बगैर इजाज़त उनकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। और यहाँ पर ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं झूले में, अबू बकर साहब भी हैं, उमर खत्ताब भी हैं, और एक और बच्चा है। तो हाँ बच्चों मज़ा आ रहा है, अबू बकर मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो, और आयश भी है भाई, आयश भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ पे गायब थी, कहाँ पर गायब थी आप, ऊपर थी तो नीचे क्यों नहीं आई? खाना खा रहे थे अकेले अकेले, खाना खा ली, कैसा बना है खाना? अच्छा हमने तो खाया नहीं अभी जी साईं। ओ वाओ, अबू बकर की पोजिंग चल रही है भाई। तो भाई ये सीन है, अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो है ना फर्नीचर रिवील कर दिया है, ये है फर्नीचर, और इसका अगला कब्जा तो अभी नहीं दिखा सकते। ये सीन है, ये इसकी ड्रेसिंग है, और ये अलमारी है, और ये डिवाइडर है। फाइनली यार बहुत थकान हो गई है, तो मेरे का थोड़ा सा जो है ना रेस्ट कर लेना चाहिए, तो बैठ गया झूले के अंदर। एंगल से आ रहा है ना? नहीं। माशाल्लाह खाना लग गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन दोनों ने भी ज्वाइन कर लिया, शायान ने भी, फाद ने भी। हाँ भाई कैसे हाल है लड़को? खूब इंतजार किया तुमने। हाँ ये तो है, बस मैंने भी देख रहे हो अभी तक खाना नहीं खाया, इंतजार कर रहा हूँ, दोनों आए फिर खाना खाऊंगा। बिल्ली सब दौड़ रहे हैं अभी, खाना शुरू करते हैं भाई। ए माशाल्लाह बिरयानी निकाल ली भाई, और टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं, इसका रिव्यू देते हैं कैसी बनी हुई बिरयानी। आफ्टर ऑल बनाई बनवाई आपके भाई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकात। क्या कहने, थोड़ी सी स्पाइसी है लेकिन ऑयली है और बहुत अच्छा टेस्ट है। मीट जो है वो बड़ा टेंडर हुआ है। व्हाइट पुलाव ओके की रिपोर्ट है ना? सर्दी बहुत हो रही है भाई, धुआं आप लोगों ने देख लिया होगा, और अभी इन दोनों के साथ आ गया हूँ, लड़कों के साथ बाहर चाय पीने के लिए, तो चाय पीते हैं अभी और फिर देखते हैं क्या सीन है। क्या सीन है भाई? सीन चाय का बस, उसके बाद धुआं निकल रहा है। हाँ तो इसलिए निकल रहा है। तो शायन इतना धुआं कहाँ से आ रहा है आपके पास? यार सर्दी बहुत तेज हो रही है, मतलब जितना टाइम गुजर रहा है ना अभी, हाँ एक डे का टाइम हो गया। अच्छा सर्दी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। दोबारा लेके दिखाना कितना आ रहा है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं यार, तेरे अंदर तो बहुत ज्यादा धुआं भरा हुआ है यार, मतलब हवा ज्यादा है तेरे अंदर। हवा नहीं ना सर, धुंध ज्यादा भर गई है, इस वजह से धुआं ज्यादा निकला है ना, मैंने रोक के रखा हुआ था अंदर। इतना रोकते कहाँ पर हो? कहाँ पर रोकते हो इतना? कहाँ रोका हुआ था अंदर? सांस लो अंदर। हाँ अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा तो वो रोकते कहाँ पर हो अंदर?
आपने कहा था मैंने अंदर रोका हुआ था, कहाँ पे रोका हुआ था? मुझे अपने घर जाना है। फाइनली भाई अल्हम्दुलिल्लाह जहेज वगैरह चला गया, अभी रिलैक्स हो गए, खाना भी खा लिया, फहद और शायान को भी जो है रुखसत कर दिया है, और अब आपका मुलाकात करवाते हैं आपकी। ये भाईजान है हमारे, अस्सलाम वालेकुम, ये अकबर भाई हैं हमारे, बहनोई हमारे, इनके बच्चों की शादी है। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं, तबीयत सही है। और ये फुरकान भाई भी ज्वाइन किए हुए हमें, काफी टाइम बाद जो आए व्लॉग में आज। कैसे हो फुरकान भाई? और अनिस भाईजान कैसे हाल है? ये भी बहनोई है हमारे। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने प्यारे से भांजे से, जिसकी शादी है और ये हलाल होने जा रहा है, जिबा होने जा रहा है। कैसे हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक हो? तैयार हो हलाल होने के लिए, रिबा होने के लिए? तो ये सीन है, दुआ करें अल्लाह ताला खैर वाफियत के साथ प्रोग्राम करवा दे।